सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, मैं इस लायक समझा कि मैं बहुजन समाज पार्टी की टिकट मुझे दे करके आशीर्वाद दे के बहन जी ने, माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। वार्ड नंबर 9 से, जो सोनीपत के जिला सोनीपत के वार्ड नंबर 9 से मुझे टिकट दिया है और मुझे मैदान में उतार के सम्मान दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने बुजुर्गों का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरे साथ इन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे। और हर गांव से सभी बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और युवा शक्ति भी मेरे साथ है हर एक गांव से। और जिन भाइयों से मैं नहीं मिल पा रहा, वो भाई इस मेरी वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं कई बार फोन भी नहीं उठा पा रहा उनके और मैं उनके संपर्क में नहीं आ पा रहा। तो मैं उन भाइयों से भी निवेदन यही चाहूंगा कि वो मेरे साथ स्वयं आके कंधे से कंधा मिला करके और मेरे प्रचार में आए और अपने भाई राजेश को, नरेंद्र को सपोर्ट करें और इन्हें जिता करके भारी मोहम्मद से जिताएं। और जो भी काम होंगे इस जिला पार्षद के उसके हक में जो भी काम होते हैं, मैं तय दिल से ईमानदारी से समाज के हित में काम करूंगा और समाज के बीच में रह करके इनका आशीर्वाद हर तरह से प्राप्त करता रहूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज वन हरियाणा को धन्यवाद देता हूं कि हम गांव गांव घूमकर, बड़े गुजरों के साथ घूमकर वोट के माध्यम से हम हर गांव में जाते हैं और गांव का सपोर्ट अच्छी मिलती है। 16 के 16 गांव में अच्छी सपोर्ट मिलती है और हमारे को, हमारे कैंडिडेट जो नरेंद्र हैं, उनको गांव गांव में घूमकर हम उनके साथ रहकर, हर बुजुर्गों के साथ रहकर, मतलब हम आप वोट के माध्यम से हम उनको आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो हमारे को बहुत, हर गांव में हमारे को सपोर्ट मिलती है, सभी बड़े बुजुर्गों के साथ रहकर हमारे को, मतलब साथ रहकर हमारे को मान सम्मान देते हैं। इसलिए जय भीम, जय भारत।